हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रानी खेत होम गैराज में। और आज की वीडियो हमने बनाई है मारुति सुजुकी अल्टो के ऊपर, और इस गाड़ी का पिछला पहिया जो आवाज़ कर रहा है उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये हमारे पहिए के बैरिंग की आवाज़ है। इसका बैरिंग कहीं ना कहीं अंदर टूट चुका है, तो उसके लिए हम खोल लेते पहले अपने टायर को। और टायर निकालने के बाद हमने हटानी है इसके बैरिंग की कैप को, जो हम छेनी हथौड़ी की मदद से हम इसको बाहर को निकाल लेंगे। फिर हमने 30 नंबर की गोटी की मदद से इस नट को हमने उतार लेना है। तो ये उतार लिया हमने इसका सेंटर नट, और फिर हम निकालेंगे इसके ब्रेक के ड्रम को। तो ड्रम निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्पेशल पुलर इसका। तो लगाते हैं हम अपने पुलर को पहले इसमें। तो पुलर लगाने के बाद हमें पुलर की मदद से इस ड्रम को बाहर निकालना होगा। तो पहले इस ड्रम को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे ड्रम निकल चुका है बाहर, और अब हम अपने पुलर को इस ड्रम से हटा के देखते हैं इसके बैरिंग की कंडीशन क्या है। तो इसके बैरिंग जो आधा हमारा एक बैरिंग की कोन इसके सेंटर बोल्ट पे पहिए के आधी वहीं छूट गई है, और आधा हमारा बैरिंग बाहर ड्रम पे रह गया है। तो दिखाते हैं आपको बैरिंग। तो ये बैरिंग इसमें काफ़ी साउंड कर रहा है, तो बैरिंग हमारा पूरा डैमेज है। और इसके बाद हम इस कोन को भी निकाल लेंगे बैरिंग के साथ साथ बाहर। तो कोन को निकालने के लिए पहले हम यूज करते हैं पेचकस की मदद से, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि हमारी ये जो कोन अंदर छूट चुकी है बैरिंग की, तो इसको हम बाहर कैसे निकालते हैं। तो फिर निकल चुकी है हमारी कोन बाहर, और अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इस बैरिंग को हमने ब्रेक ड्रम से निकालने के लिए सबसे पहले इसका लॉक हटा लेना है। तो इस बैरिंग के बाहर एक हमारा लॉक रहता है, तो हम इस लॉक को पहले निकाल लेते हैं बाहर। फिर इसको प्रेस मशीन की मदद से हम बैरिंग को बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने ड्रम को ले आए हैं प्रेस मशीन पे।
तो हमने ये प्रेस मशीन पे लगा लिया ड्रम, तो इसको हम प्रेस मशीन की मदद से हम इस बैरिंग को हम बाहर को धकेलेंगे और फिर इसको हम बैरिंग को करते हैं चेंज। फ्रेंड्स हमें बैरिंग वगैरह हमें चेंज करने के लिए हमें प्रेस मशीन की सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी हथौड़ी से जो हम बैरिंग को हम प्रेस करके निकालते हैं या प्रेस करके लगाते हैं वो बैरिंग हमारी ज़्यादा चलती नहीं है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमें बिना प्रेस मशीन के ये बैरिंग कभी ठोकने भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा पुराना बैरिंग बाहर निकल चुका है और इसकी जगह पे हम लगाएंगे नया बैरिंग। तो नया बैरिंग हमने अब इंस्टॉल करना है अपने ब्रेक के ड्रम पे, तो इसको भी हम प्रेस करके फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये बैरिंग हो गया इंस्टॉल और अब हम इसको अपनी गाड़ी पे फिट करते हैं। उससे पहले हम इसमें बैरिंग का लॉक दोबारा बिठा लेंगे। इसके बाद इसके ब्रेक सिलेंडर में भी हमको थोड़ी दिक्कत लग रही है, इसका ब्रेक सिलेंडर एक तरफ को जाम है और एक तरफ को ये काम कर रहा है, तो ये भी हमें खोलना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं पहले इसको। ये ब्रेक दबाओ जरा। बिल्कुल जाम है, छोड़ दो। अब ये ब्रेक सिलेंडर खोलने के लिए हमें इसके ब्रेक शूज उतारने पड़ेंगे। तो ब्रेक शूज उतारने के लिए सबसे पहले हमने इसके लॉक खोल लेने हैं। ब्रेक शूज के लॉक खोलने के बाद हमने इन ब्रेक शूज को साइड से निकाल के ऐसे बाहर को लटका देना। तो ब्रेक शू हो गए हमारे बाहर और जैसे कि आपको ये व्हील सिलेंडर ब्रेक का दिख रहा है तो इसके अंदर पूरा ही हमारा जंग लगा पड़ा है एक साइड में। दूसरी साइड को ये काम कर रहा है लेकिन हमारा एक साइड को ये काम नहीं कर रहा है, इससे हमारी ब्रेकिंग बराबर लगेगी नहीं, तो इसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको खोलने के लिए हमें इसके पीछे दो 10 नंबर के बोल्ट लगे रहते हैं, उनको खोलना होता है और इसके मेन जो ब्रेक ऑयल की जो लाइन होती है उस लाइन को भी हमें खोलना होता है। तो हम इतना खोलने के बाद दिखाते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा व्हील सिलेंडर बाहर निकल चुका है, तो इसकी जगह पे अब हम लगाएंगे नया इसमें व्हील सिलेंडर। ये हमारा नया व्हील सिलेंडर है और अब इसको हम इसकी जगह पे लगाएंगे।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये ब्रेक का सिलेंडर लगाया है। इसके पीछे हमने 2 10 नंबर के बोल्ट टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हम ब्रेक ऑयल की लाइन जो इसमें आती है उसको भी हम लगा लेंगे, उसको टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये ब्रेक शू इसमें लगाने हैं, और ब्रेक शू लगाने के बाद हम ब्रेक शू के लॉक भी लगा लेंगे। और लॉक लगाने के बाद इसके हम ड्रम को भी फिट कर लेते हैं। और ड्रम फिट करने के बाद हमने इसके 30 नंबर के नट को बराबर कस लेना पहले। तो इस नट को पूरा कसने के बाद हमने निकालनी है इसकी एयर, और ये ब्रेक सिलेंडर में जो एयर बची होगी वो हमने एयर नट को इसको खोल लेना है। खोलना क्या है, इसको हमने ढीला करना है। तो जैसे हम ब्रेक का पेडल उधर से प्रेस करेंगे तो इसमें से एयर निकलेगी। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि इसकी एयर हम कैसे निकाल सकते हैं ब्रेक की। तो इसके लिए हमें अपने साथ वालों को कहना पड़ेगा कि ब्रेक का पेडल दबाएं। तो जब वो 3 4 बार पेडल को प्रेस करेंगे तो उसमें जो भी प्रेशर बनेगा उसको वो प्रेस करके रखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से अपने नट को ढीला करेंगे। तो देखिए आगे बनाओ पेडल 4 5 बार दबा दो दबा दो बनाओ और दबा दो और बनाओ दबा दो और दबा दो बस ओके। तो जैसा कि पहले आपने देखा कि पहले 1 2 राउंड में हमारे इस व्हील सिलेंडर में से ब्रेक सिलेंडर में से काफ़ी एयर निकली। तो इस तरह से हमारा एक पूरा एयर इसका निकल चुका है। तो अब हम इसकी कैप भी लगा लेते हैं और फिट कर लेते हैं अपने पहिए को और चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल हमारी बैरिंग की आवाज़ बिल्कुल सही हो गई है और ब्रेक भी ठीक हो गया। तो इस टाइप से हमने इसका पहिए का बैरिंग बदल लिया है और ब्रेक का सिलेंडर चेंज कर लिया है। तो इसके बाद हम कर लेंगे इसके पहिए को फिट। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल का आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी जो भी चैनल पर नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।